तो दोस्तों, ये रहे आप लोगों के पिछले वीडियो पर आए शानदार कमेंट्स। जिन लोगों का नाम फीचर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका रह गया है उनको मैं अगली बार फीचर जरूर करूंगा। खैर, तो अब चलते हैं आज की जबरदस्त मूवी की तरफ, जिसके चर्चे आजकल पूरे साउथ इंडिया में छाए हुए हैं। तो चलिए सीधे करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में खास। तो मूवी की शुरुआत में हम महबूबाबाद नाम के एक शहर को देखते हैं, जो हमारे तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। अब इसी शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा गांव भी होता है, जहां हम दो लड़कों को देखते हैं। इस लेफ्ट साइड वाले लड़के का नाम होता है चिंटू और राइट साइड वाले लड़के का नाम होता है गुड्डू। गुड्डू के घर में उसके माता पिता होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि चिंटू के घर में उसका बड़ा भाई और माता पिता होते हैं, और इसकी फैमिली फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल होती है। वेल, ये दोनों लड़के आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, साथ ही स्कूल जाते हैं, एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करते हैं और सिर्फ एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं। इस तरह से इन दोनों की दुनिया एक दूसरे के अंदर ही बसी होती है। खैर, अब एक दिन जब ये दोनों घर जाते वक्त तो खुद को हल्का कर रहे होते हैं, तो तभी इनकी नज़र मुर्गी के दो छोटे चूजों पर पड़ती है, जो शायद आज ही पैदा हुए होते हैं। अब थोड़ी देर तो ये दोनों दोस्त उनको देखते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि ये चूजे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। इसीलिए गुड्डू कहता है कि अगर इनको छोड़ दिया तो कोई ना कोई जानवर इनको मार देगा, इसीलिए हमें इनको अपने साथ ले जाना चाहिए। इस तरह से गुड्डू उन चूजों को अपने घर ले आता है, लेकिन गुड्डू की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो गुड्डू को डांटते हुए कहती है कि इन चूजों को घर में मत रखो, पूरे घर में गंदगी करेंगे। तो इस तरह अब दोनों दोस्त दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर फाइनली ये दोनों दोस्त चुपचाप उन चूजों को अपने स्कूल में कहीं छुपा देते हैं और प्लान बनाते हैं कि रोज स्कूल से आकर उन्हें खाना पीना देंगे, ताकि वो बड़े हो जाएं और फिर बाहर छोड़ देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें चिंटू के बड़े भाई राजू से मिलवाया जाता है, जिसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक होता है। वो जहाँ भी जाता है वहीं अपना फोन निकालकर सीधा फोटो खींचता रहता है, लेकिन आज इसी बीच उसके पापा उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, बस फोन लेकर पूरा दिन घूमते रहते हो। जरा अपने छोटे भाई को देखो, वो रोज सुबह स्कूल जाता है, जबकि तुम बस इधर उधर फोटो खींचते रहते हो। राजू अपने पिता की बात सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। फिर पापा के जाने के बाद वो फिर से अपना फोन निकालता है और एक कौवे की फोटो लेने की कोशिश करता है, पर तभी चिंटू और गुड्डू वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया हमारी भी फोटो खींचो ना। लेकिन राजू चिंटू की बात को अनसुनी कर देता है, क्योंकि उसको डांट भी तो उसी की वजह से पड़ी थी। आखिरकार वो उन्हें वहां से भगा देता है, लेकिन ये देखकर अब दोनों को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए अब ये दोनों पेपर से एक नकली कैमरा बनाते हैं और खुद की सेल्फी लेने लगते हैं, और ये देखते ही मुझे अपने स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं। क्या आपको याद आए दोस्तों, कमेंट में बताना। वेल, उस रात गुड्डू का मामा उसके घर आता है और उसके मम्मी पापा को हल्का सा डांटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड्डू के पापा ने एक साल पहले उससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन ब्याज के साथ वो अब 3 लाख रुपए हो चुके हैं, जबकि अभी तक उन्होंने एक भी रुपया नहीं लौटाया है। इसलिए मामा गुस्से में कहता है कि कल तक मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक तो वैसे ही कोरोना की खबर चल रही है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये सुनकर गुड्डू के माता पिता बहुत शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कल तक पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। फिर अगले दिन चिंटू और गुड्डू मैदान में दो और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि इनका प्लान होता है कि ये दोनों एक ही टीम में खेलें, लेकिन हर बार टॉस करने पर ये अलग अलग टीम में चले जाते हैं। तभी इसी बीच गुड्डू की माँ वहाँ मैदान में आ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि कितनी बार कहा घर से बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम सुनते नहीं। इस तरह वो उसको डांटते हुए घर ले जाती है। फिर घर पहुंचने पर गुड्डू को पता चलता है कि उसकी फैमिली किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो रही है। इसके बाद घर का सारा जरूरी सामान पैक कर लिया जाता है और वो उस दिन दूसरे गांव चले जाते हैं। फिर जब शाम को चिंटू गुड्डू के घर जाता है तो उसका घर बंद मिलता है। ये देखकर चिंटू को लगता है कि शायद वो कहीं बाहर घूमने गए होंगे, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब इसी बीच पूरे भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने से चिंटू को लगता है कि जहां पर भी गुड्डू गया होगा वहीं फंस गया होगा शायद, इसीलिए एक हफ्ते बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन अगला हफ्ता आने से पहले ही दूसरा लॉकडाउन भी शुरू हो जाता है।
और इसी तरह बिना अलविदा कहे ही दोनों दोस्तों का बिछड़ना हो जाता है। अब कुछ समय बाद दूसरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। इस बीच चिंटू बार बार गुड्डू के घर आता जाता रहता है, लेकिन फिर भी गुड्डू का कोई अता पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर गुड्डू की फैमिली नए गांव में खेती बाड़ी में लगी रहती है, ताकि गुड्डू के मामा के पैसे का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर सकें। अब गुड्डू हर रोज अपने पापा से यही सवाल करता है कि पापा, हम वापस कब जाएंगे, क्योंकि नए गांव के लड़के मेरे साथ ठीक से खेलते भी नहीं, बल्कि मुझे चिढ़ाते रहते हैं और कभी कभी तो मुझसे झगड़ा भी करते हैं। बेचारा गुड्डू समझ नहीं पाता कि वो करे तो क्या करे, इसीलिए वो सिर्फ अकेला ही पूरे गांव में घूमता रहता है। उधर चिंटू भी आसपास के लड़कों के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ नहीं खिलाते। वहीं अगले दिन जब गुड्डू के पेरेंट्स खेत में काम करके दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, तभी गुड्डू के स्कूल से फोन आता है। फोन पर उसका टीचर उसके पापा से कहता है कि कुछ ही दिनों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल ओपन नहीं हो रहे, इसीलिए आपको जल्द ही उसके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया जाएगा, जिससे आपका बेटा गुड्डू ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएगा। अब ये सुनकर गुड्डू का पिता कोई ज्यादा सीरियस नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो आखिर वो फोन का इंतजाम करेगा भी कैसे। खैर, इसी बीच पास बैठा एक आदमी गुड्डू के पिता से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि लड़के को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दो, लेकिन तुम नहीं माने और इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दिया। अरे, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आखिर देख लिया, अब तुम घूम फिर कर वापस यहीं आ गए और अब खेती कर रहे हो, तो बताओ वहाँ जाकर आखिर तुमने क्या ही कर लिया। ये सुनकर गुड्डू के पिता को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है। फिर कुछ दिन बाद चिंटू अपने फोन से पहली ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, और आज क्लास में भी वो लगातार गुड्डू का इंतजार करता रहता है, लेकिन आज भी गुड्डू दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन ही नहीं होता। अब क्लास के दौरान टीचर चिंटू से पूछता है कि गुड्डू कहाँ है, कई दिनों से क्लास मिस कर रहा है, इसीलिए उसे बता देना कि अगर उसने ऐसे ही क्लासेस छोड़ दी तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अब आज पहली बार चिंटू को अपने दोस्त के लिए फिक्र होती है, क्योंकि अब तक वो समझ रहा था कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं फंस गया होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास मिस हो रही है, पता नहीं वो कहाँ है। इस बीच हम चिंटू के बड़े भाई राजू को देखते हैं, जो मल्ली नाम की एक लड़की से प्यार करता है। दरअसल मल्ली के पिता की एक किराना शॉप है, और राजू हर रोज उसे देखने के बहाने दुकान से कुछ न कुछ खरीदने जाता रहता है। इस तरह से इन दोनों के बीच छोटी मोटी मुलाकातें होती रहती हैं। देखने से ये भी लगता है कि मल्ली भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करती है। खैर, उधर घर पर चिंटू की माँ उसके पापा से कहती है कि मेरे भाई की बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए वो सोच रही है कि शादी में क्या गिफ्ट देना चाहिए, गोल्ड चेन खरीदें या कुछ और। तो चिंटू का पापा जवाब देता है कि गोल्ड चेन की क्या जरूरत है, बस थोड़े पैसे दे देंगे, उससे काम हो जाएगा। अब चिंटू इस बीच अपने पापा से गुड्डू के पापा को कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके पापा उसकी बात को अनसुनी करके अपने गिफ्ट की बात ही करते रहते हैं। फिर जब चिंटू अपने पापा से बार बार कहने लगता है कि गुड्डू के फादर को कॉल करें, तो उसके पापा अचानक गुस्से में आकर चिल्लाते हैं, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम दोनों बात कर रहे हैं। ये सुनकर बेचारा चिंटू मायूस होकर बाहर चला जाता है, और तभी उसे गली में खेल रहे दो लड़के दिखते हैं, जिन्हें देखकर चिंटू को अपने दोस्त गुड्डू की बहुत याद आने लगती है। अब इस बीच उसे एक आइडिया आता है, और वो फौरन गुड्डू के घर के पास रहने वाली आंटी के पास जाता है और उनसे गुड्डू के पापा का नंबर ले आता है। अब वो आंटी उसे गुड्डू के पापा का फोन नंबर दे देती है, जिसके बाद नंबर मिलते ही चिंटू फटाफट गुड्डू के पापा को कॉल करता है और बताता है कि अंकल, टीचर ने कहा है कि अगर गुड्डू क्लास में नहीं आया तो उसका नाम स्कूल से काट देंगे और उसे फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गुड्डू के पापा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो बिना परवाह किए कहते हैं कि हाँ तो निकाल देने दो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास फोन तो है नहीं और हम इस साल वापस शहर नहीं आने वाले। अब ये सुनकर चिंटू और भी दुखी हो जाता है, लेकिन अगले दिन चिंटू फिर से गुड्डू के पापा को कॉल करता है और उससे बात करने की जिद करता है। तो आखिरकार कई दिनों बाद दोनों दोस्त की फोन पर बात होती है और दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। बातों ही बातों में अब चिंटू पूछता है कि तुम वापस कब आओगे, यहाँ मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। लेकिन गुड्डू जवाब देता है, शायद हम अब वापस नहीं आएंगे, पापा यही काम कर रहे हैं और आगे का मुझे कुछ पता नहीं। ये सुनकर दोनों दोस्त मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही ये जानते थे कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो करेंगे वो उनके पेरेंट्स ही करेंगे।
खैर इस बीच एक दिन गुड्डू अपने गांव में श्रीकांत नाम के एक लड़के से मिलता है जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है। अब गुड्डू उसे उसका फोन मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि भैया मुझे आपका फोन दोगे क्या, मुझे अपने एक दोस्त से बात करनी है। लेकिन श्रीकांत अपने काम में इतना बिजी होता है कि गुड्डू की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, जिस वजह से निराश होकर गुड्डू मैदान में जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है। पर वहाँ भी उसका झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब इस झगड़े के दौरान उसे छोटी सी चोट लग जाती है और वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताने के लिए खेत की तरफ जाने लगता है। अब खेत में पहुंचने के बाद वो देखता है कि सभी अपने काम में बिजी हैं, इसीलिए वो वहीं बैठ जाता है और अपने पेरेंट्स के आने का वेट करने लगता है। लेकिन तभी गुड्डू देखता है कि कुछ मजदूरों के बैग्स में स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं। फिर वो उनमें से एक एक फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है और किस्मत से उसे एक फोन बिना पासवर्ड के मिल जाता है। अब वो फौरन चिंटू को कॉल करके कहता है कि अरे चिंटू मुझे फोन मिल गया, फटाफट आ जाओ, चलो गेम खेलते हैं। अब इस तरह जहाँ जहाँ गुड्डू जाता है वहाँ किसी न किसी का फोन लेकर चिंटू के साथ पबजी खेलने लगता है। असल में पबजी खेलने का शौक दोनों को नहीं था, वो तो बस साथ में खेलना पसंद करते थे, लेकिन इस खेल के अलावा उनके पास आपस में कनेक्टेड रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर एक दिन श्रीकांत सिगरेट खरीदने के लिए मास्क पहनकर एक शॉप पर जाता है ताकि वो दुकान वाला उसे पहचान ना सके, लेकिन दुकान वाला उसे पहचान लेता है जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वापस आते वक्त श्रीकांत गुड्डू को किसी और का फोन लेकर गेम खेलते हुए देखता है, इसीलिए वो गुड्डू से कहता है, गुड्डू भाई मेरा एक काम कर दो, जरा मुझे एक दुकान से सिगरेट लाकर दे दोगे क्या। अब इस बार गुड्डू भी पहले की तरह अनसुना कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले एक बार श्रीकांत ने किया था। फिर श्रीकांत उसे लालच देता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा चॉकलेट खरीद लेना। तो ये सुनकर गुड्डू कहता है कि क्या मैं तुम्हें छोटा बच्चा लगता हूँ जो चॉकलेट खाऊंगा, अगर देना ही है तो मुझे रोज अपना फोन दे दिया करना ताकि मैं अपने दोस्त से बात कर सकूं, और हाँ साथ में अपना चश्मा भी जिसे लगाकर मैं फोन में गेम खेल सकूं। अब श्रीकांत सिगरेट के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो आखिरकार गुड्डू की डील के लिए मान जाता है और इस तरह से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन चिंटू और गुड्डू वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हुए उन चीजों को याद करने लगते हैं जिनको उन्होंने स्कूल में जाकर छुपा दिया था। इस बीच एक दिन गुड्डू श्रीकांत से पूछता है कि भैया क्या तुम मुझे इस शनिवार महबूबाबाद ले चलोगे, तो श्रीकांत मना कर देता है और कहता है कि नहीं भाई मेरी मीटिंग्स हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा। इस बीच राजू और मल्ली की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। दोनों के बीच इधर उधर की बातें, थोड़ी बहुत चैटिंग और मुलाकातें चलती रहती हैं। फिर कुछ दिन बाद राजू एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है और फंक्शंस में जाकर फोटो शूट करता है। अब एक दिन एक फंक्शन में एक लड़की राजू के पास आकर कहती है कि राजू मेरी भी एक अच्छी सी फोटो खींच दो, मैं इसे इंस्टाग्राम पर डालूंगी। तो ये सुनकर राजू उसकी फोटो लेने लगता है और वो इसलिए क्योंकि वो इस काम को प्रोफेशनली लेता था। लेकिन ये सब देखकर पास बैठी मल्ली के अंदर जलन होने लगती है और वो अपना मुंह फेर लेती है। अब राजू की बात करें तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना नया कैमरा खरीदे और इसके लिए वो बहुत दिनों से पैसे भी जमा कर रहा होता है। असल में उसका सपना है कि वो हैदराबाद जाकर फिल्म इंडस्ट्री में फोटोग्राफर के तौर पर काम करे। खैर अब कुछ समय बाद राजू मल्ली से मिलने उसकी दुकान के पास पहुंचता है, लेकिन मल्ली उससे नाराज होती है और बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद मल्ली खुद उसे बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरी भी वैसी ही फोटो खींचोगे जैसी कल तुमने रम्या की खींची थी, मैं भी अपनी फोटो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर राजू हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी नहीं खींचूंगा तो किसकी खींचूंगा, मैं एक काम करता हूँ एक लोकेशन पर सेटअप करता हूँ और फिर तुम्हें बुलाऊंगा और जबरदस्त फोटो शूट करूंगा। फिर उसी रात राजू अपने बॉस से कैमरा उधार लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक दिन के लिए मुझे आपका कैमरा चाहिए, मैं घर वालों के कुछ फोटोज को क्लिक करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बॉस मान तो जाता है लेकिन कहता है कि ठीक है कैमरा दे दूंगा, लेकिन किराया लगेगा 2000 रुपए एक दिन का। तो राजू के पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने घर पर कैमरा लेकर आता है और बड़ी उम्मीद से वो अपनी फैमिली की फोटो लेकर अपने पापा को दिखाता है ताकि वो अप्रिशिएट कर सके। लेकिन फोटोज देखकर उसका पिता कहता है कि इसमें क्या है,
ये फोटो तो कोई भी ले लेगा, ये कोई खास काम नहीं है, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वेल, इसके बाद वो मल्ली को शाम को 5 बजे तालाब के पास फोटोशूट के लिए तैयार रहने को कहता है। पहले तो मल्ली कहती है कि नहीं, मैं 5 बजे नहीं आ सकती, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए घर से बाहर कैसे निकलूंगी। पर राजू उसे मनाता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे और लौट आएंगे, इसलिए अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना। अब आज जब गांव में गुड्डू श्रीकांत से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि श्रीकांत तो हैदराबाद गया हुआ है। फिर इधर चिंटू और उसके दोस्त गेम खेलने के लिए गुड्डू का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आज श्रीकांत के जाने की वजह से गुड्डू के पास कोई फोन नहीं होता, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं होता। फिर बहुत खोजने के बाद उसे एक फोन मिल जाता है और वो तेजी से चिंटू के साथ गेम खेलने लग जाता है। लेकिन तभी फोन का मालिक आकर गुड्डू पर फोन चुराने का आरोप लगाता है और उसे पकड़कर उसके पिता के पास ले जाने की धमकी देता है। ये सुनकर गुड्डू घबराकर वहाँ से भाग जाता है और ये कहते हुए भागता है कि उसने कोई फोन नहीं चुराया। इसके बाद गुड्डू फिर से फोन को ढूंढने लगता है, लेकिन इसे कोई भी अपना फोन नहीं देता। इधर मल्ली अच्छे कपड़े पहनकर अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है। फिर रास्ते में राजू उसे पिकअप करता है और दोनों पुलिस चेक पोस्ट को चकमा देकर तालाब के पास पहुँच जाते हैं। अब वहाँ राजू मल्ली की कुछ बेहतरीन फोटोज खींचता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहाँ आकर उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों कौन हो, किस गांव के हो और घर पर बताकर आए हो या नहीं। अब पुलिस वाले को देखकर लॉकडाउन की वजह से वो दोनों घबरा जाते हैं। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है कि सर हम सिर्फ फोटो शूट कर रहे थे, अब बस वापस जा रहे हैं। लेकिन तभी पुलिस वाला शक भरी नजरों से राजू पर सवाल उठाता है, तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। राजू आज मल्ली को एक खास गिफ्ट देना चाहता था, उसने कुछ दिन पहले चोरी छुपे मल्ली की कुछ तस्वीरें खींची थी और वो आज फोटोग्राफी के बाद उन तस्वीरों को उसे देना चाहता था। लेकिन तभी जब पुलिस वाला उन तस्वीरों को चेक करता है तो उसे गलत फहमी हो जाती है। वो सोचता है कि राजू मल्ली को यहाँ उसके फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने के लिए लाया है, इसीलिए गुस्से में आकर वो राजू को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब मल्ली कहती है कि ये फोटोज उसकी रजामंदी से खींचे गए हैं, तो आखिरकार पुलिस वाला उन दोनों को उनके एड्रेस लेकर वहाँ से जाने देता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मल्ली बहुत शर्मिंदा होती है और रास्ते भर राजू से कोई बात नहीं करती। उधर गुड्डू के पिता को उसके हालिया कारनामों के बारे में पता चलता है और वो गुड्डू को जोर से डांटने लगता है, अब तुम चोरी भी करने लगे हो, लोगों के फोन चुरा के गेम खेलते हो। तो गुड्डू अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने फोन नहीं चुराया पापा, बस क्लासेस सुनने के लिए लिया था। इसीलिए वो अब चिंटू को भी फोन पर डांटने लगता है और कहता है कि तुमने ही इसको गेम खेलना सिखाया है, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता कि तुम पढ़ाई नहीं बल्कि गेम में दिमाग लगा रहे हो, अगली बार अगर फोन किया ना तो उनसे शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर चिंटू बहुत डर जाता है। फिर जब गुड्डू चुपके से चिंटू के फोन पर कॉल लगाता है तो डर के मारे चिंटू फोन नहीं उठाता, उसे लगता है कि कहीं गुड्डू के पापा ही उसको फोन ना कर रहे हों। उधर राजू मल्ली को उसके फोटोज देने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, इसलिए सीधे उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर श्रीकांत कुछ दिनों बाद गांव वापस लौटता है और गुड्डू को देखते ही उसे अपने पास बुलाता है। इस बीच जब वो सुनता है कि गांव के लड़के गुड्डू को चोर चोर कह रहे हैं, तो वो गुड्डू से पूछता है कि क्या हुआ, तो गुड्डू उसे सारी बात बताता है और श्रीकांत उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो गुड्डू को गले से लगाकर कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम एक दिन अपने दोस्त से जरूर मिलोगे। दूसरी तरफ राजू के पिता का सामना उसी पुलिस वाले से होता है जिसने उस दिन राजू से उसका एड्रेस ले लिया था। असल में वो पुलिस वाला उसके पिता की दुकान पर आता है और बताता है कि राजू लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और उनके फोटोज खींचता है। इसके बाद वो हल्की सी धमकी देते हुए कहता है कि वो राजू पर केस फाइल कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ पैसे की डिमांड करके चुपचाप मामला खत्म करने को मान जाता है, जिसके बाद राजू के पिता उसे कुछ पैसे दे देते हैं। अब घर वापस आकर वो राजू को बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि फोटोज खींचने के बहाने तुम ये सब करते हो, आखिर कब तुम मेरी बात सुनोगे, बस यही दिन देखना बाकी था। अब राजू अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर एक दिन गुड्डू श्रीकांत का फोन लेकर चिंटू को कॉल करता है, लेकिन चिंटू फोन नहीं उठाता क्योंकि वो उस दिन के बाद से अभी भी डरा हुआ होता है।
इस बीच राजू बड़ी हिम्मत जुटाकर मल्ली से मिलने जाता है। तो मल्ली उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे ब्लैकमेल करने के लिए चोरी छुपे मेरी फोटोज खींच रहे थे। तो राजू ये सुनकर बहुत दुखी होता है और कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि इतने दिन समय बिताने के बाद भी मल्ली उसे समझ नहीं पाई। अब वो ये सब कुछ छोड़कर अपने काम पर ध्यान देने के बारे में सोचता है। वो अपने फोटोग्राफी के सपने को पूरा करना चाहता था। अब उसे मायूस देखकर उसका बॉस उसे बुलाकर कहता है, मेरा एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में है, मैं उससे बात करूंगा, तुम हैदराबाद जाकर काम ढूंढ सकते हो, तुम्हारे पास टैलेंट है इतना तो मुझे पता है, बस तुम्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। अब अगले दिन चिंटू के माता पिता किसी फंक्शन में जाते हैं और चिंटू और राजू को घर पर छोड़ देते हैं। अब चिंटू उसके जाने के बाद बोर महसूस करता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है, लेकिन वो उसे अपने गेम में शामिल नहीं करते। इस बीच राजू हैदराबाद जाने की तैयारी कर चुका होता है और अपने कपड़े पैक कर रहा होता है ताकि वो आज ही निकल सके। अब चिंटू ये सब सुन लेता है, इसलिए जब राजू नहाने जाता है तो चिंटू उसका फोन लेकर श्रीकांत को कॉल करता है और कहता है कि भैया मेरी बात गुड्डू से करवा दो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो श्रीकांत गुड्डू को बुलाकर उसे फोन देता है। अब चिंटू गुड्डू से कहता है कि तुम दोपहर में स्कूल के पास आ जाना, आज हम लोग जरूर मिलेंगे और फिर शाम होने पर वापस घर चले जाएंगे। तो इसके बाद गुड्डू श्रीकांत से पूछता है कि भैया क्या आज हम महबूबाबाद चल सकते हैं। तो श्रीकांत कहता है कि नहीं गुड्डू, आज मेरी मीटिंग है इसलिए आज नहीं। पर तभी चिंटू पीछे से गुड्डू से कहता है, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो किसी भी तरह स्कूल के पास आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। जोश में आकर अब गुड्डू भी कहता है कि ठीक है, हमारी दोस्ती की कसम मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद चिंटू अपने भाई का फोन और छुपाए हुए पैसे लेकर स्कूल जाने का फैसला कर लेता है। उन दोनों का स्कूल उनके गांव से काफी दूर था, खासकर गुड्डू जिस गांव में रहता है वहां से तो उसका स्कूल करीब 40-50 किलोमीटर दूर होता है। इसके बावजूद दोनों ही पैदल अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब इस दौरान घर में राजू को ना तो उसका फोन मिलता है और ना ही पैसे। उधर से चिंटू भी घर से गायब होता है, इसीलिए उसे शक हो जाता है और वो हर जगह चिंटू को ढूंढने लगता है। फिर उधर गुड्डू का पिता उसको ढूंढते हुए सीधा श्रीकांत के पास आता है और गुस्से में कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है, मैंने सुना है कि वो आजकल तुम्हारे साथ रहने लगा है और तुम उसे सिगरेट पीना सिखा रहे हो। तो श्रीकांत अपनी सफाई में कहता है कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर जाइए, मैं गुड्डू को लेकर आता हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए अंकल, अगर आप उसको वक्त देंगे या उसकी सुनेंगे तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। खैर उधर चिंटू किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है और अब लॉकडाउन की वजह से हर जगह पुलिस वाले होते हैं, इसीलिए वो छुपकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसी बीच उसके जेब से वो सारे पैसे गिर जाते हैं जो वो घर से लेकर भागा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके जेब से पैसे गिर गए हैं, पर अब तक वो काफी दूर चला आया था और अब उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त राजू चिंटू को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद जब वो चिंटू के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, इसीलिए राजू उसकी पहले मरहम पट्टी करता है और फिर उससे पैसों के बारे में पूछता है। लेकिन तभी चिंटू रोते हुए उसे सच बताता है कि भैया वो पैसे तो गिर गए, और ये सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है और उससे कहता है कि चिंटू तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने वो पैसे इतने लंबे वक्त में बड़ी मुश्किल से जोड़े थे, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितना गलत काम किया है। तभी चिंटू रोते हुए कहता है कि भैया मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझे हमेशा डांटते हो, अपनी गली के दोस्त भी मेरे साथ नहीं खेलते और मेरा सबसे अच्छा दोस्त गुड्डू मुझसे दूर चला गया है, मैंने वो पैसे इसीलिए लिए ताकि मैं गुड्डू को वो पैसे दे सकूं और वो अपनी पढ़ाई के लिए फोन खरीद सके और भले ऐसे ही सही पर मैं उससे जुड़ा रह सकूं। भैया मेरे पास आप हैं, खेल खिलौने भी हैं, फोन भी है, लेकिन गुड्डू के पास कुछ नहीं है, उसकी कोई नहीं सुनता, उसके पास फोन नहीं है तो वो क्लास भी अटेंड नहीं कर पाता, अब बताओ क्या मैं अपने दोस्त को ऐसे देख सकता हूँ। तो राजू अब चिंटू की बात समझकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी चीज सिखा दी चिंटू, इसीलिए बाद में वो चिंटू से कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। लेकिन चिंटू घर जाने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं भैया, गुड्डू मेरे लिए आएगा, मुझे स्कूल के पास ले चलो, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है इसीलिए वो जरूर आएगा। तो ये सुनकर राजू उसे स्कूल की तरफ ले जाता है
वहीं उधर श्रीकांत आखिरकार गुड्डू को ढूंढ लेता है क्योंकि गुड्डू को किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी थी और वो बीच रास्ते में खड़ा होता है। तभी श्रीकांत सामने आकर उससे कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं, तुम उन्हें बिना बताए यहाँ चले आए, इसीलिए चलो गुड्डू घर चलते हैं। लेकिन गुड्डू उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें मीटिंग करनी है तो मुझे भी अपने दोस्त से मिलना है, मैंने उससे वादा किया है, इसीलिए पहले मेरी मदद करो तभी मैं वापस चलूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजू और चिंटू स्कूल के पास आकर गुड्डू का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद राजू कहता है, चिंटू चलो अब घर चलते हैं वरना पापा आएंगे और हमें डांटेंगे। ये सुनकर चिंटू थोड़ा मायूस हो जाता है, उसे उम्मीद थी कि गुड्डू जरूर आएगा, लेकिन अब काफी समय हो चुका था और वो भी हार मानने ही वाला था। लेकिन तभी श्रीकांत गुड्डू को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और आखिर इतने दिनों बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर जल्दी से भागकर गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी बीच उन्हें वो दो चूजे देखने को मिलते हैं जो अब तक काफी बड़े हो चुके थे और पीछे से उनका कोई ख्याल रख रहा था, इसीलिए वो बिल्कुल ठीक थे। और ठीक इसी मोमेंट पर ये रिफ्रेशिंग मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आखिर आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मूवी को देख सकें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।